इसकी उम्र आज 6 है। खूबसूरत जानवर है, इसके सींग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ये मारने की भी कोशिश कर रहा है। ये मारता है? वैसे सींग हिलाता है, मारता नहीं है। वैसे ही सींग हिला रहा है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत जानवर है। और इसकी क्या कीमत है? इसकी कीमत है 17 लाख रुपए। 17 लाख रुपया, ठीक है। और ये क्या इसकी उम्र है? इसकी उम्र आज 6 है। ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखे और इनके जो दूसरे व्यापारी मौजूद हैं, इनके दोस्त, उन्होंने भी कहा है कि ये इसके दो दांत मौजूद नहीं है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा फ्रॉड वगैरह है, मंडी में चलते रहते हैं, लेकिन जानवर लेते हुए इन चीजों का एहतियात लाजमी करें। जानवर खूबसूरत हो और जो भी उसकी शरायत है उस पर पूरा उतरता हो। अब ये बिल्कुल कुर्बानी लग सकता, खीरा जानवर है। अब अगर कोई गलती, कुर्बानी जायज है? नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। आप क्या प्रॉब्लम क्या है इनमें, मुझे बताएंगे आप? ये इसलिए, इसकी प्रॉब्लम ये है कि असल में इसकी उम्र पूरी नहीं है, 1 साल का होना शर्त है। तो अगर साल का होगा तो इसके ज़रूर दोंदा होता है, इसके दो दांत जो है वो नए होते, लेकिन ये बिल्कुल खीरा है, इसलिए हाजिर। ये तो लागर भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, मुझे गोश्त भी नहीं लग रहा कुछ। कितने किलो का है ये? साल के लिए देने के लिए, अगले साल के लिए। ईद के दिनों में लेकर आने हैं? कोई बात नहीं है, ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है। तो कितने किलो का है ये? ये तो अभी इतना। आपको खुद को पता है कि ये कुर्बानी के लिए जायज नहीं है? जी जी पता है, बिल्कुल पता है आपको। अभी तक क्या रेट लगाया इसका? इसका 25,000 रुपए। 25,000 रुपए? कब से बैठे हुए हो? मुझे तकरीबन हो गए 2 घंटे। 2 घंटे हो गए। जानवर को कुछ खिलाओ पिलाओ, घर लेके जाओ, फिर कुर्बानी के लिए लेके आओ, कोई बात। ये भी वाला मुफ्ती साहब, ये भी नहीं जायज है? ये दिखाइए जरा, ये जायज है, ये जायज है। इसका क्या रेट है? इसका 55,000 रुपया। आप मुझे देखें, इस जानवर की तो हालत ही नहीं है, इसको घर लेके जाएं, खिलाएं पिलाएं, फिर इसको मंडी में लेकर आएं। अच्छा मुझे ये बताएं, ये भैंस है? ये उसका मेल है, यानी कि इसको आप भैंसा भी कह सकते हैं, कटा भी कह सकते हैं, तो पंजाबी जुबान में। इसकी कुर्बानी जायज है? बिल्कुल जायज है। वैसे ये था कि आका अलैहिस्सलाम के जमाने अकदस के अंदर, क्योंकि अरब के अंदर ये नहीं होता था जानवर, तो कन्फ्यूजन हुई कि शायद इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एशिया में होता है। तो फिर जब फुकहा के पास इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, तो उन्होंने कहा कि ये कट्टा भी जो है वो गाय की कैटेगरी में आता है, तो इसलिए इसकी कुर्बानी जायज़ है। अभी गाय की कैटेगरी में आता है, जैसे जो है ना पालतू होना ज़रूरी है, तो जैसे नील गाय हैं, हालांकि वो गाय हैं, गाय की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो वाशी है, क्योंकि वो जंगलात में रहती है, लिहाजा उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। ऐसी जो ये, क्योंकि पालतू जानवर है और ये जुगाली करता है, ये एक अहम पॉइंट है, क्योंकि जो जानवर जुगाली करता हो और पालतू हो उसकी कुर्बानी जायज़ होती है, तो ये उसी कैटेगरी में आता है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जो हम आपको दिखा सकें। ये इंतहाई खूबसूरत जानवर है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये राजनपुरी नस्ल आप बता रहे थे, इन्होंने हमें राजनपुरी नस्ल बताई है और बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग का है ये। सो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसका क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, अजी किस तरह है जनाब ये? माशाल्लाह, पसंद है आपको? इसका रेट चेक करें हम फिर। किस तरह दे रही है? अरे जनाब ये तो मुल्क 22 लाख रुपया मांग दे रहे। 22 लाख रुपया? इसका 22 लाख रुपया? अब मैंने यही बात आपसे की थी ना कि फरबा जानवर होने के बाद जो हम खूबसूरती देखते हैं और उसके ऊपर फिर बेशुमार कीमत लगा लेते हैं, तो ये जैसे अब 22 लाख रुपए का है। अब ये इसकी जो है, वैसे गोश्त की, ये इसकी गोश्त की कीमत, इसका आप हमें चेक करवाएंगे? इनके दांत चेक करते हैं, इनका क्या होता है? मैं इनका भी यही कैटर है, कैटर वही है, लेकिन ये 2 साल का होने, जैसे अब ये दोनों जाना है। मुझे भी दिखाए, मैंने भी देखना है। दिखाओ। अच्छा इसके 2 हैं दांत, है ना? अब ये 2 साल से ऊपर है, 2 साल से जायद जो है, 2 साल से जो जायद जानवर है, बैल हो, वो गाय हो, वो अपना भैंसा हो या भैंस हो, 2 साल से अगर वो जायद उम्र का है तो वो जायज़ होता है, वो जायज़ है कुर्बानी के लिए। तो ये इंतहाई खूबसूरत है, इसका 22 लाख देंगे फिर आप? 22 लाख तो नहीं देंगे, लेकिन मैं यही चीज़ जो मैंने, हमने पिछली दफ़ा पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, रेट पूछा था 50 लाख रुपये, जो सच्ची पूछो थे शौक। अच्छा मुझे बताएं कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि मजनू होते हैं और वो आप घर जब लेके जाते हैं ना तो भिपड़ जाते हैं, यहाँ पे उनको नशे का टीका दे दिया जाता है? अगर वो भिपर जाना एक अलग मामला है, जैसे इंसान में जज्बात होते हैं, गुस्सा आ जाए जानवर को, एक अलग मामला है, लेकिन अगर कोई जानवर मजनू हो जाए, वो बिल्कुल अनसाउंड माइंड हो जाए, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं।
हमारे साथ एक बो बकरा मौजूद है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या इसकी कुर्बानी जायज़ है और क्या खसूसियत है इसकी। जैसे हमने अभी बात की ना कि जैसे जैसे जानवर बूढ़ा होता जाता है तो वो उसकी चार दांत आ जाते हैं, फिर छः दांत आ जाते हैं, तो वो बकरा जो होता है वो बूढ़ा बकरा होता है, यानी उसकी काफ़ी उम्र हो जाती है। वो बकरा जो होता है उसको बूढ़ा बकरा होता है, उसको हम बो कहते हैं। बकरा कहते हैं क्योंकि उसके एक तो स्मेल आ रही होती है और दूसरी बात ये होती है कि एक आनर और एक जो है ना खसी जानवर का फ़र्क होता है। तो जो खसी जानवर नहीं होता वो बो बकरा भी हो जाता है। और यानी दो चीज़ें होती हैं, एक उम्र जिक्का ज़्यादा हो जाना या फिर उसका आनर होना जो है वो उसका ऑनर होना जो है ना वो इस वजह से उसको आप कह सकते हैं कि ये वो बकरा है। बकरे में से स्मेल क्यों आना शुरू हो जाती है आप कह रहे हैं? वो जी इसी वजह से कि आप उसको खसी नहीं किए करेंगे तो फिर उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए उस जानवर से परहेज करते हैं। वो अपना पेशाब वगैरह जो है ना वो पीना शुरू कर देता है, फिर उसके गोश्त में स्मेल आना शुरू हो जाती है। गोश्त तक स्मेल जाती है? गोश्त के अंदर स्मेल आ जाती है। तो इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है फिर? जायज़ है, जायज़ है, लेकिन फिर लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ज़्यादा गोश्त में स्मेल आएगी तो कौन उसको इस्तेमाल करेगा। वैसे जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, लेकिन आप ये है कि लोग जो है ना वो इस अगर हम अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो फिर हम वो बकरा तो नहीं ना खरीदेंगे। हम तो कोशिश करते हैं कि दो दांतों वाला हो इस तरह से। जी जी ऐसी जैसे हम कहते हैं कि वो उसके अंदर गोश्त के अंदर स्मेल नहीं आनी चाहिए, जैसे हम बेऐब ढूंढते हैं तो फिर जाहिर है हम उसके अंदर से हर ऐब को जो भी उसके अंदर किसी किस्म का भी ऐब है उसको हम जो है रिजेक्ट करते हैं। तो यही अल्लाह ताला का भी हुक्म है, लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि आप वो बकरे से परहेज़ करें और जो है वो खसी बकरा लीजिए या कोई भी खसी जानवर लीजिए ताकि उसके गोश्त में से स्मेल ना आए। कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा जानवर खरीदें जो कि बेऐब और खूबसूरत हो। हम दूसरे बकरों की साइड पे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और क्या है मंडी में। अच्छा मुझे बताएं, अगर किसी ने मुझे कोई जानवर गिफ्ट कर दिया है तो क्या उसकी कुर्बानी जायज़ है? जायज़ है, जैसे हिबा कर देते हैं, जैसे आपको जायदाद दे देते हैं, कोई पैसे दे देते हैं, इसी तरह अगर आप कोई बंदा जानवर जो है किसी को गिफ्ट कर देता है तो मेरी ही कंसीडर होगी, उसकी कंसीडर नहीं होगी? कंसीडर होगी क्योंकि आपको आपकी मलकियत में दे दी, हिबा कर दिया, आपको गिफ्ट कर दिया, तो जिसको गिफ्ट किया गया वो उसके मालिक, वो उसका मालिक हो गया तो लिहाजा उसकी कुर्बानी कर सकता है। अच्छा मुझे ये भी बताएं कि अगर मैंने ये जानवर ख़रीदना है तो इसको मैं ज़बह खुद कर सकती हूँ? कि मर्द जो है ना वो ज़बह करे और कोशिश करे कि वो जो कुर्बानी कर रहा है वो ज़बह करे। आजकल क्योंकि जब इतनी आबादी हो गई है तो मौसमी कसाई भी निकल आते हैं ना, तो बाज़ औक़ात वो गैर मुस्लिम्स होते हैं, तो गैर मुस्लिम जो कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानी उनसे कुर्बानी कराना जायज़ नहीं होता। लिहाजा बेहतर ये है कि आप कम से कम तकबीर जो है वो खुद फेर लें, बकाया जो है वो कसाई बना लेगा जानवर, लेकिन कम से कम तकबीर खुद फेरें ताकि उसके हवाले से जो है ना कोई हमारी कुर्बानी जो है ना वो ख़राब ना हो। तो इसलिए जो मौसमी कसाई होती है उनसे बचना चाहिए। जो आपने मसला पूछा है, वैसे नाबालिग बच्चा बच्ची या